असलम एवरी टू डू सिम्पथैटिक ऑफिलइटिस ठीक है सिम्थैटिक ऑफ्थलमाइटिस ये होता है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई पैनीटिंग इंजरी uh, हुई है ठीक है पैनीट्रेटिंग इंजरी की वजह से क्या होता है कि हमारे पास आँख में एक uh, जो है ग्रैनुलमा बन जाता है ठीक है उस ठीक uh, है वो हम लोग कर लेते हैं कि क्या होता है लेकिन सिर्फ डेफिनेशन की बात कर लेना कि हमारे पास बायोलेट्रल बायलेटरल uh, पेनयूबियाइटिस है, ठीक है किसकी वजह से है पेनिट्रेटिंग ऑकुलर इंजरी की वजह से क्या है बायलेटरल पैनयियाटिस ठीक है अब इसकी हम लोग अगर एटियोलॉजी की बात करें ना तो हमारे पास क्या है पेनिट्रेटिंग आई इंजरी या पैथोजेनेसिस की बात करते हैं ठीक है अब आ, एक मिनट आई होप इट्स विजिबल ओके इट्स फिजिबल नाम अच्छा अब इसकी पैथोजेनेसिस की बात करते हैं ना तो हमारे पास बेसिकली एक ग्रेनुलोमा बनता है ठीक है किधर बनता है ग्रेनुलोमा पैनयियाटस होता है ठीक है इसके अलावा हमारे पास जो आ, एक डेलिन फच नोड्यूल uh, होता है ठीक है डेलिन फर्च नोड्यूल होता है किधर होता है जो रेटिनल एपिथीलियम होता है ना जो रेटिनल पिगमेंट एपिथीलियम और ब्रंच ब्रेन ऑफ दी कोराइड के बीच में हमारे पास ये डेलिन फिच नोड्यूल होता है और एक मैंने आपको कह दिया है कि ग्रेनोमेटिस पैन्यूवियाटस है ठीक है अब इसकी डायग्नोसिस पे आते हैं ठीक है डायग्नोसिस में आपने तीन चीज़ें करनी है एक फंडस टोमोग्राफी uh, है एक हमारे पास ऑकुलेंस सॉरी ऑकुलर टोमोग्राफी